Hello friends, welcome back to my channel Vidisha's Creations. In the last video we have done this much. Now we will start restoration. Last video में एक चीज हम भूल गए थे जिसको अभी मैं complete करूंगी, वो था हमारा इसके इस wings वाला portion जो कि जाना था yellow ochre में. इसको मैं अभी पहले complete करके फिर fillers पे आती हूँ, ठीक है. जब तक ये ड्राई होगा तब तक हम दूसरा काम करेंगे. अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है इसका फेस की फिनिशिंग और पोर्शन, पहले इसके टेल की. तो सबसे पहले आप इसकी फिनिशिंग दे दीजिए कलर से या मार्कर से. जितना पोर्शन हमारा हो गया था पहले इस फिनिश फिश की हम फिनिशिंग कर देते हैं, जिससे यहाँ पे और इसको आपको ब्लैक कलर से या ब्लैक मार्कर से. सबसे पहले ये वाली फिनिशिंग जाएगी ऐसे, ठीक है. ये पूरा फिनिशिंग आपको देना है. चलिए मैं यहाँ से आपको पहले बताती हूँ, क्योंकि ये देखिए पहले आपने इसको फिनिशिंग दी. प्रोमिनेंट निकल के आना चाहिए फिनिशिंग और ब्यूटी, तभी आ पाएगी. आपको पूरा प्रॉपर वे में ऐसे करना है, ठीक है. अब इस वाले लाइन पे आपको ऐसी ही सेम लाइंस देनी है जैसे आपने येलो ऑकर वाले पोर्शन पे दी है. सेम प्रोसेस के साथ आपको पूरा कंप्लीट करना है. फिनिशिंग बहुत जरूरी है, बार बार मैं कह रही हूं. बेटर है कि आप थोड़ा सा इस तरह से करिए जैसे ये प्रॉपर विजिबल हो. ये देखिए अब ये विजिबल हो रही है. आप थिन साइड ही यूज़ करिएगा, मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे, क्योंकि अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर आप देख नहीं पाएंगे और फिर आप सीख नहीं पाएंगे. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द थिकर वन, बट यू नीड टू यूज़ द थिनर वन. ये देखिए अब आपको क्लियर हो रहा है. ये फिनिशिंग मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर आपका जो ये वर्क है ये प्रॉपर आपको दिखाई पड़े ऐसे. इस फिनिशिंग को आपको पूरी तरह से देना है, पूरी फिशेस पे. ये देखिए ऐसे, ठीक है. अब हम अपना थिनर साइड लेके इस पे लाइंस ड्रॉ करेंगे. सॉरी सारे मार्कर्स अभी चल नहीं रहे, मैं चेंज करती हूँ एक सेकेंड. ये देखिए अगर आपके पास उस टाइम पे कुछ ऐसा मार्कर नहीं है तो आपके पास है ब्लैक बॉल पेन, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. ओके मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे मार्कर मिल गया. थर्ड लाइन में आपको ऐसी लाइंस देनी है, ऐसे ही यहाँ पे भी करना है और ऐसे ही यहाँ पे भी करना है, ठीक है. ये पूरा आपको सेम मेथड के साथ कंप्लीट करना है. इस तरह से आपको फिनिशिंग देते हुए ये लाइन वर्क यहाँ पे कंप्लीट करनी है. ओके नाउ इट्स डन. अभी हम इसके टेल वाले पोर्शन पे आते हैं और फेस वाले पोर्शन पे आते हैं. टेल के लिए आपको यहाँ से एक सेंटर लाइन लेनी है और इसको ऐसे करना है डबल. और इसके लिए आपको बहुत पतली पतली सी लाइन, बोथ द पोर्शन यू नीड टू ड्रॉ. ये आपका हो गया. सेम आपको इस ये वाले पोर्शन पे भी सेम मेथड करना है. इसमें हमने ये बीच में लाइन दी है, आप इसमें लाइन नहीं भी देंगे तो चलेगा, बिकॉज दैट इज टेल एंड दिस इज विंग.
आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल लाइन के साथ। अभी हम इसके फेस पे आते हैं। फेस के लिए पहले आप फिनिशिंग दीजिए प्रॉपर, क्योंकि जो कलर आपका इसके ऊपर आ गया है उसको प्रॉपर वे में हो जाए। यहाँ पे आप लाइंस दीजिए। अभी इसके फेस के लिए आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको डॉट्स देने हैं, लाइक ऐसे पूरे फेस पे आपको ऐसे ऐसे करके, जस्ट यू नीड टू ड्रॉ सम डॉट्स, बिल्कुल क्लोज डॉट्स देने हैं आपको। पहले आप इस तरह से कुछ रैंडम डॉट्स डालिए, फिर जगह जगह पे आप फिल करिए। क्लोज डॉट्स होने चाहिए, इट शुड बी क्लोज्ड, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल क्लोज। ज्यादा गैप लेकर अगर आप करेंगे तो ऐसे इतना क्लोज होना चाहिए। डिफरेंस मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ, ये वाला करेंगे तो आप उतना ब्यूटीफुल नहीं आएगा, आपको इतना क्लोज करना है जिससे उसकी प्रॉपर ब्यूटी निकल कर आ सके। ये मैं पूरा आपको दिखाऊंगी। ऐसे जस्ट लाइक दैट पूरा आपको फिनिशिंग करनी है क्लोज क्लोज डॉट्स के साथ इसके फेस की। ये देखिए ये इसका फेस हो गया रेडी। अब हम आते हैं इनके फेस पे भी, इसका फेस भी सेम प्रोसेस के साथ होगा। जस्ट यू नीड टू ड्रॉ द फिनिशिंग फर्स्ट ऐसे, और जस्ट आपको क्लोज क्लोज डॉट्स ऐसे देनी है। आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं, आप जिस चीज के साथ कंफर्टेबल हैं आप वो यूज कर लीजिए। आई थिंक पेन इज मोर देन बेटर। एंशियंट टाइम में उनके पास कुछ थे नहीं रिसोर्सेस, तो सब कुछ फ्री हैंड हुआ, क्योंकि फोक आर्ट्स थी हमारी, लेडीज ने किया, और जो भी हेल्प मिली ट्रिक्स के साथ, वो ट्रिक्स तो यूज करते ही थे ना, तो आप किसी भी तरह का ट्रिक्स टाइप की चीजें टूल यूज कर लीजिए। आप पेन की ये निब भी एक तरह का ट्रिक्स की ही तरह यूज होती है, इसमें भी इंक है कलर है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है फोक आर्ट में मार्कर यूज करने का, ठीक है। अभी ये वाला पोर्शन जो हमारा बचा है इस पे हम टोटल वाइट कलर से वर्क करेंगे जिससे ये इन्हांस हो गया है। तो वाइट कलर के लिए आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं। मैं जो यूज कर रही हूँ वो है मेरा वाइट पेन, जो कि आपको कहीं भी ईजिली मिल जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। ये देखिए ये मैंने ऐसे किया, ये मैंने एक लाइन खींची, ये देखिए ये हमारा दूसरा लाइन, इस पे हमें कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न्स देने हैं, और इसके बाद ये एक लाइन, ठीक है। इस तरह से हम पूरी अपने फिश को एक डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से फिल करेंगे, लाइक दिस। जो बॉर्डर होगा हमारा वो ब्लैक ही होगा, लाइक ये वाली जो लाइन है ये हमारी ब्लैक होगी। ये देखिए इसकी फिनिशिंग ब्लैक से ही करिए, ऐसे, ठीक है। और रेस्ट जो आपको अंदर का इनर पार्ट है वो आपको व्हाइट से करना है जैसे वो हाईलाइट होकर आए। इस पे आप यहाँ पे सेम विंग्स की तरह लाइन खींचेंगे ऐसे, ये देखिए यहाँ मैंने डबल बॉर्डर दिया एक फिनिशिंग के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप भी दे सकते हैं।
फिश के लिए, इस फिश के लिए मैं ये वाला पैटर्न ले रही हूँ। आप भी जो भी इसको मैंने फिलर्स आपको सिखाए हैं आप उसमें से कोई भी पैटर्न ले सकते हैं। फिश के लिए मुझे ये थोड़ा सूटेबल लगा तो मैंने ये लिया। ये देखिए ये ऐसे पूरा मूव करता जाएगा आपका पेन। ये पेन आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाएगी। जस्ट आपको बोलना है कि वाइट मार्कर पेन, या इस पे लिखा हुआ है यूनिबॉल की वाइट पेन। ये आर्टिस्ट लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन मैं इस पेन को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब डिटेल वर्क होता है तो ये ईज़ली हमारा काम होता है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है जिसको हमको करना होता है और हर एक काम में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, तो हम लोग भी कुछ कुछ टूल्स या कुछ पेन्स की हेल्प लेते हैं जिससे हमारा काम अच्छा और सुंदर बन जाए और हमारा टाइम भी थोड़ा बचे। क्योंकि इसमें जो टेक्निक्स थी वो आपको पता लग गई है, तो अब आप उसको ब्रश के साथ करिए या पेन के साथ, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे कर रहे हैं, बट आपकी टेक्निक्स तो वही फॉलो होंगी जो प्रॉपर हो रही है। तो अगर आप पेन से काम कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है इसमें। आपको गोंड आर्ट की फिनिशिंग, आपको गोंड आर्ट की जो टेक्निक है वो प्रॉपर पता होनी चाहिए। ये हमारा ऐसे हो गया। अभी हम ब्लैक कलर लेकर के यहाँ पे कुछ लाइंस देंगे। ये वाली लाइन, सॉरी दिस पेन इज नॉट वर्किंग, सॉरी यहाँ पे मैं कर रही, ये वाली लाइंस आप देंगे, ठीक है, ये एम्प्टी रहेगी। अब हम आते हैं अपने टेल पोर्शन पे। ये 20 से 2 लाइंस हमने की, ठीक है। आप बहुत क्लोज लाइन ऐसे बनाइए, ऐसे और ये वाली फिनिशिंग ज़रूर दीजिए। जैसे ये यहाँ पे भी ऐसे, अब जैसे इसको आपने बनाना शुरू किया ये वाली लाइन जो है ज़रूर बनाइएगा, जिससे आपकी फिनिशिंग प्रॉपर आए, ठीक है। ये हमारी ये वाली फिश रेडी हो गई। अब हमारा ये वाला विंग बचा हुआ है, सेम तरीके से हम बनाएंगे। ये देखिए अभी हमारी ये गोंड आर्ट की फिश कंप्लीट हो गई है पूरी तरह से, ठीक है। अब इसमें अगर आपको कुछ और इन्हेंस करना है तो आप यहाँ पे लाइंस दे सकते हैं इनके ऊपर कुछ, जैसे सपोज आपने ग्रीन कलर किया, इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे डॉट्स दे सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कितनी ब्यूटीफुली अपने गोंड आर्ट को सजा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये डॉट अब मैंने स्टार्ट ही किया है तो मैं आपको पूरा करके दिखा दूँ। आप कलर का यूज़ भी कर सकते हैं ऐसे, गोंड आर्ट में टेक्निक्स बहुत ज़्यादा नहीं है। टोटल एक ये गोंड आर्ट बहुत सिंपल है, यूनिक है, तो बेटर है कि नंबर ऑफ कितनी पिक्चर्स आप बना रहे हैं आप उनके सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए। जितना मुझसे हो सकता है मैं पूरा सिखाऊंगी आपको, जैसे आपको हर एक टेक्निक, हर एक पैटर्न, हर एक सब्जेक्ट जो भी गोंड आर्ट का है वो प्रॉपरली आपको समझ में आ जाए, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ग्रीन कलर मिस हो गया है, उसको मैं कर देती हूँ। मुझे एक जगह दिखाई पड़ा था अभी, ये यहाँ पे ग्रीन कलर, ठीक है, इसको मैंने कर लिया। अब आप सेम इस पे भी करें, ओ सॉरी मैं इधर से कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा। ओके मैं ऐसे टर्न कर रही हूँ। इस पे आपको कभी भी इस तरह की पेंस को ओपन करके मत रखिए या दूसरा काम मत करिए जब आप स्टार्ट कर रहे हैं
उसको कैप लगा के रखिए क्योंकि इट गेट्स ड्राई वेरी फास्ट। तो बेटर है आप एक बार में काम करिए और जब काम ना हो तो उसकी कैप बंद करके रखिए, अदरवाइज इट विल गेट ड्राई। ओके, आपको ये पूरी डॉट्स ऐसे वाइट इस पे देनी है। गोल्ड आर्ट की यही तो क्वालिटी है जो इसको बाकी आर्ट फॉर्म से अलग करती है कि इसके ऊपर आप न जाने कितने कलर्स के साथ काम कर सकते हो। आप एक बेस देते हो, उसके बाद आप कितने भी कलर्स, कितने भी डॉट्स, कितने भी टेक्निक्स उस एक बेस कलर के ऊपर अप्लाई करते हो और वो ब्यूटीफुल से ज़्यादा ब्यूटीफुल होती जाती है, क्योंकि वही तो उसकी ब्यूटी है बेस के साथ दूसरे कलर्स को यूज़ करने का। अब आप देख रहे हैं ये और इन्हेंस हो गई। अब इसको और इन्हेंस करने के लिए हम एक काम और करेंगे, हम यहाँ पे भी जो हमारा ये फिश वाला पोर्शन है, हम यहाँ पे भी ऐसे वाइट वाइट से डॉट्स देंगे। इवन पेन से ज़्यादा बेटर है कि आप ब्रश से करिए, वो ज़्यादा फास्ट होगा। या अगर आपके पास मंडाला टूल्स हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर के, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के पिंस होती हैं जिसकी हेल्प से हम मंडाला आर्ट करते हैं, उसकी एकदम पतले नंबर जो 0 या 00 नंबर का टूल होगा उसको आप लेके उसमें कलर ड्रिप करके आप इस पर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सपोज ये हमारी मंडाला किट है, ठीक है, ये हमारी मंडाला किट है। इसमें जो सबसे पतला वाला साइज़ है वो है ये, और हमारे पास है वाइट कलर। हम देखिए, आपने लिया और जस्ट आपने ऐसे वाइट कलर के साथ आपने इसको, ये भी इजी है अगर पेन नहीं है तो मंडाला किट, नहीं तो 0 नंबर वाले ब्रश के साथ आप करिए, या अगर आपके पास 0 नंबर ब्रश के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं, जस्ट टेक वन टूथपिक, कलर में डिप कर लिए और फटाफट अपनी डॉट्स देना स्टार्ट करिए। ये देखिए, एक बार मैंने कलर लिया और मैं कम से कम 10, मोर देन 10 और लेस देन 10 आई डोंट नो, बट मैं काफ़ी पार्ट्स कवर कर ले रही हूँ इस एक किट के साथ। और आप देख रहे हैं डॉट्स देने के बाद इसकी ब्यूटी इन्हेंस हो रही है। यहाँ मेरा थोड़ा शायद हाथ पड़ गया, आप केयरफुल रहिएगा कि आपका हाथ उस जगह पे ना जाए जहाँ पे वेट हो एरिया। बस आपको सिंपल सी छोटी छोटी सी डॉट्स देनी है और ये ब्यूटीफुल होती चली जाएगी ऐसे। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं डॉट्स देते हुए, मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि उधर का एरिया वेट है, मैं बचा रही हूँ अपना हाथ। सबसे पतले वाले एरिया के साथ आप कर सकते हैं या ब्रश के साथ, अदरवाइज मैंने आपको टूथपिक का बताया है, आप सेफ्टी पिन की पॉइंट के साथ कर सकते हैं। आपको जितने भी डॉट्स डालने हैं कोई मुश्किल नहीं है कि आपके पास अगर पेन नहीं है, ब्रश नहीं है, मंडाला टूल किट नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल अपनी अगरबत्ती जो हमारी होती है उसके पीछे की डंडी या मैच स्टिक्स किसी के साथ भी आप इन डॉट्स को बना सकते हैं। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, अब आप चाहिए तो आप इसको और इन्हेंस करिए, मेरे ख्याल से अब ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको बीच में एक वाइट डॉट ऐसे दे सकते हैं, ये आइज थोड़ी और इन्हेंस हो गई। बहुत ज़्यादा कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी है और कोई भी स्पेस आपके पास है नहीं जहाँ पर आप काम कर सकिए, बट इट इज़ टोटली कम्प्लीटेड। चाहिए तो आप यहाँ लाइन्स डाल दीजिए, बट नो नीड, ये अपने आप में कम्प्लीट रख रही है। ठीक है, ये आज आपकी एक फिश वाली पेंटिंग कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एपिसोड में हम दूसरा सब्जेक्ट लेकर आएंगे, आई थिंक पूरी पिक्चर आपको अब दिखेगी। ओके, अभी दिख रही है? ओके, चलिए फिर, टेक केयर, बाय।